हर्बल रेमेडीज नेचर स्टेजर में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ मित्रों आप सब अच्छे होंगे और अपने अच्छे स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए और नए नए प्लांट की जानकारी से आप आनंदित हो रहे होंगे। ऐसे ही एक और प्लांट की चर्चा करेंगे साथियों। आप रस भरी खाते होंगे और इसके फ्रूट को आप देख रहे होंगे, अभी कच्ची अवस्था में है। इसके अंदर रस भरी निकलती है, इसको आप लोग पकने के बाद ऑरेंज कलर की हो जाती है। इसके अंदर कई प्रकार के विटामिन्स, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और फाइबर पाया जाता है, जो कि इंटेस्टाइन की हेल्थ को बनाए रखने के लिए विशेष आवश्यक होता है। दूसरा, इंटेस्टिनल और कोलोन कैंसर के लिए भी एंटी कैंसर एक्टिविटी इसके जूस की होती है। मित्रों, साइंटिफिकली हम इस प्लांट को फाइसेलिस एंगुलाटा आइडेंटिफाई करते हैं। सोलेनेसी फैमिली का प्लांट है, हार्ट के लिए और लंग्स के लिए महान औषधि है। इसके पत्र का जूस आप 5 से 10 ml शहद मिलाकर सेवन करते हैं तो अस्थमा की समस्या को पूरी तरह से ठीक करता है। अस्थमा की समस्या के साथ साथ हमारे एयरवेज में ऑब्स्ट्रक्शन है, उसको ठीक करने का कार्य करता है। सांस लेने में बाधा आती है, ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो जाता है, उसको ठीक करने का कार्य करता है। लंग्स के अंदर जमा हुए कफ को बाहर निकालने का कार्य करता है। मित्रों, इसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस, जिसको टीबी कहते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन लंग्स के अंदर है, उसको भी ठीक करता है। निमोनिया की समस्या, वो भी ठीक हो जाती है। और इसके जूस के सेवन करने मात्र से टाइफाइड में भी चमत्कारी लाभ होता है। आपने देखा कि लंग्स और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड इंटेस्टिनल बायोटा की हेल्थ बनाने के लिए, टाइफाइड से निजात पाने के लिए भी ये उपयोगी होता है। कोलोन के कैंसर के लिए भी इसके फ्रूट के अंदर पाए जाने वाला फाइबर और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इसके काफ़ी अच्छी एक्टिविटी शो करते हैं। मित्रों, इसका जूस पॉइजनस रेप्टाइल्स, पैरासाइट्स, इंसेक्ट्स, इन सब के अगेंस्ट भी एंटीडॉट पोटेंशियल रखता है। इसके जूस को आप पीजिए और घाव को आप धो दीजिए, आप देखेंगे हीलिंग फास्ट हो जाती है, घाव भर जाते हैं। और किसी भी प्रकार की अगर घाव नहीं भर रहे हैं तो इसके जूस अप्लाई करने से, इसके डिकॉक्शन अप्लाई करने से घाव आसानी से भर जाते हैं। एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, हर प्रकार के घाव को भरने की इसमें क्षमता होती है। दूसरा, इम्यूनिटी को बढ़ाने का कार्य करते हुए कई प्रकार के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में भी इसकी उपयोगिता होती है। मित्रों, इसका काढ़ा आप अगर आप पीते हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए, किसी भी प्रकार के लीवर, फैटी लीवर और लीवर के साथ साथ लीवर में अगर सूजन है, जिसको हेपेटाइटिस कहते हैं, स्प्लीन में सूजन है या स्प्लीन बढ़ गया है, जिसको स्प्लीनोमिगैली कहते हैं, ऐसी समस्या भी ठीक करने का कार्य करता है। मित्रों, अगर हेपेटाइटिस की समस्या हो जाती है तो प्रॉपर ब्लड प्यूरिफिकेशन नहीं हो पाता है, शरीर के अंदर टॉक्सिन्स अकूमुलेट होते रहते हैं और फुंसी फोड़े जैसी समस्या बन जाती है। एक जगह से फोड़ा ठीक होता है, दूसरी जगह फिर बन जाता है, ऐसी भी समस्या होने लगती है। तो ऐसी समस्याओं को ठीक करने के लिए कितने प्रकार के एंटीबायोटिक्स आप खा सकते हैं, आप इमेजिन कीजिए। इस प्रकार की कितनी भी एंटीबायोटिक, जितनी भी आपको रिज्यूमिनेट करते हुए इस प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए इसका जूस पीजिए। आवश्यकता अनुसार मौसम में जब भी आपको ये रस भरी देखने को मिले तो आप ज़रूर उसको खाइए, उसका सेवन कीजिए। सीजन में आप 2 से 3 बार भी अगर इसको खाते हैं तो आपके लीवर को मजबूती देने का कार्य करता है, लंग्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का कार्य करता है, पेट से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का कार्य करता है। अल्सर हीलिंग में भी इसके फ्रूट की उपयोगिता देखी गई है। इंटेस्टिनल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, इंटेस्टिनल बायोटा को बनाए रखने के लिए, डाइजेस्टिव कैपेसिटी को बनाए रखने के लिए कई प्रकार से ये सहायक है, आसानी से ये देखने को मिलता है। लेकिन जानकारी के अभाव में ना तो हम इसको उपयोग कर पाते हैं और ना ही हम इसको संरक्षित कर पाते हैं। आप इसका जूस पी सकते हैं, पत्र का जूस निकाल सकते हैं। अच्छे बालों की केयर के लिए भी आप इसके ट्विक का काढ़ा बनाकर बालों को धो सकते हैं, बालों की अच्छी हेल्थ देने वाला होता है। कई प्रकार के माइक्रो मिनरल्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं, जो कि बालों को नेचुरल कंडीशनर का भी कार्य करते हुए अच्छे बालों की हेल्थ के लिए भी आवश्यक है। इस प्रकार से आपने जाना कि ये प्लांट आपके
स्वास्थ्य के संरक्षण में कैसे महान भूमिका निभा सकता है, आप इसको उपयोग में ला सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे स्पेसिफिक प्लेलिस्ट को भी आप रेफ़र कर सकते हैं। डिफरेंट डिसऑर्डर्स के लिए आप वहाँ से अलग अलग आपके क्षेत्र में पाए जाने वाले प्लांट की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, अगर कोई समस्या है और उसका समाधान आप चाहते हैं तो हमसे टेलीफोन के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, ईमेल करके अपने हमें कमेंट्स कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ये आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, ज़्यादा मात्रा में प्रेगनेंसी के समय इसका सेवन नहीं करना चाहिए, अबॉर्ट इफिशेंट ये होता है। बाकी पूरी तरह से ये सेफ़ है। आप पत्र का जूस पीजिए, फल का सेवन कीजिए और इसकी जो जड़ होती है, जड़ का जूस निकाल कर आप सेवन करते हैं तो वो भी पेट के कीड़े को बाहर निकालने वाला, इंटरनल हीटिंग करने वाला और इंटरनल ब्लीडिंग, कई बार जिसको हिमोरेज कहते हैं, कई कारण से हो जाती है, उसको भी ठीक करने वाला होता है। महान औषधि है, आप इसको अच्छे स्वास्थ्य के लिए उपयोग में लाइए। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।